हेलो एवरीवन, हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो साइंस चैप्टर है हमारा, हमारे दो चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि थे अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम और मोशन ऑफ द अर्थ। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर, जो है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 11 ओपन करके रखना है, साथ ही में टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल साथ में लेके बैठना है, ताकि जो क्वेश्चंस या फिर जो भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट डाउन करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करें। तो आपके पेज नंबर 11 आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे जो चैप्टर का हेडिंग है वो क्या है, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। तो अभी तक जो दो चैप्टर हुए हैं, तो अर्थ तो आपको पता चल ही हो गया होगा, करेक्ट। तो उसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, करेक्ट। तो आज जो लिविंग वर्ड्स है, जो कि है लिविंग वर्ड्स, लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, इसके हम डिटेल स्टडी इस क्लास में आज करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ही उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, कैन यू टेल वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम। आपको पता है क्या हमें वाटर कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? हमें ग्राउंड से मिलता है, करेक्ट। वेयर डू वी ले फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। हम हमारी बिल्डिंग्स किस पे खड़े करते हैं, किस पे करते हैं? हमारे सैंड, करेक्ट, या फिर ग्राउंड। व्हाट नीड डू वी मीट थ्रू ब्रीथिंग। हमें ब्रीथिंग के लिए क्या ज़रूरी है? एटमॉस्फेयर, एयर ज़रूरी है, करेक्ट। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट्स एंड हीट। अर्थ के पास, मतलब हमारे पास, लाइट कहाँ से आती है और हीट कहाँ से मिलती है? किससे मिलते हैं? सनलाइट से मिलती है, करेक्ट। तो आज ये सारी डिटेल्स, जैसे कि सन है, मीन्स एटमॉस्फेयर है, वाटर है और ग्राउंड है, इन तीनों की स्टडी अभी हम देखेंगे। नाउ द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, किसकी इमेज है? अर्थ की इमेज है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, वी फाइंड सैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर्स। हमारे अर्थ के ऊपर कहीं पर कुछ जगह सैंड, लैंड है और कुछ जगह वाटर प्रेजेंट है, ये आपको पता होगा, करेक्ट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय आल्सो द एटमॉस्फेयर। लैंड है, वाटर है और साथ ही में एटमॉस्फेयर है। अगर आप इमेज ध्यान से देखोगे तो आपको जो बाहर आउटर लेयर दिख रही है वो किसकी है? एटमॉस्फेयर लेयर है, करेक्ट। नाउ तो देखिए, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। जैसे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, करेक्ट। तो लिविंग थिंग्स कुछ वाटर में भी प्रेजेंट रहते हैं और कुछ लैंड पे भी प्रेजेंट रहते हैं। इन वाटर एंड इन द एयर आल्सो, एयर में भी कुछ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। द सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। सन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पॉइंट है, ओके, अर्थ के हिसाब से। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, क्या है ये? सन है, करेक्ट। बर्ड्स हैं और ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, अर्थ और ये कुछ एनिमल्स हैं, कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स। सभी में, मतलब वाटर है या फिर लैंड है, सभी के लिए सनलाइट सबसे ज़रूरी है। नाउ तो आज हम देखने वाले अर्थ के ऊपर क्या क्या है? एयर प्रेजेंट है, लैंड प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो अभी हम कहेंगे लैंड को क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। लैंड को क्या कहना है हमें? लिथोस्फीयर। नाउ वाटर को क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। अगर हमने हाइड्रोस्फीयर, ये जो वर्ड है उसे हम अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो दो वर्ड्स बन जाते हैं, एक हाइड्रो, सेकंड स्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर की भी स्टडी करना है। नाउ द नेक्स्ट स्फीयर इज एटमॉस्फेयर। जो एयर में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो इस एयर के पार्ट को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। मीन्स देयर आर थ्री स्फीयर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकंड वन हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। Air, water and land constitute the main components of the earth, namely the atmosphere, hydrosphere and lithosphere, correct. कितने spheres हैं? Three. The biosphere spreads in all the other three spheres. अभी biospheres means क्या? जैसे कि मैंने कहा कि कुछ living थी, कुछ non living थी, मतलब तीनों जगह पर living things भी present है और कुछ non living things भी present है। Now द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, जो कि आपका पेज नंबर 11 पे डेफिनेशन है। तो आपको पता है अर्थ के अंदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट है। द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, जो अर्थ का क्रस्ट है वो कैसे है, हार्ड। आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं क्रस्ट। इट इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक, किससे बना है, रॉक से बना है। नाउ व्हेन वी ट्रेवल इन हिली रीजन वी सी लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स अलोंग द रोड कट। जब हम कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो रोड के साइड में क्या दिखता है, हमें कुछ ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जब हम करते हैं तो सभी जगह एक ही जैसा लैंड दिखता है क्या, नहीं, कहीं पर सॉफ्ट दिखता है, कहीं पर हिल्स दिखेंगे, लाइक दिस पिक्चर। नाउ वी सी अ ग्रासी एक्सपेंसेस ऑफ लैंड इन सम प्लेसेस एंड ओनली सैंड इन अदर। कुछ जगह हमें सिर्फ ग्रासी प्लेसेस दिखते हैं और कुछ जगह पूरा लैंड मीन्स टोटली लैंड दिखाई देती है, करेक्ट। The land is covered with crops in some places and with forest in other. कुछ ऐसे land है जहाँ पर crops होते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ forest ही present है, okay? Now, sometimes we get to see the deeper layer of all into which tree roots spread. कुछ ऐसे भी अर्थ के ऊपर जगह present है जो trees के जो रूट से वो पूरी जगह पर फैल जाता है। एट अदर्स वी सी रॉक स्प्लिट्स अपार्ट बाय द ट्री रूट। आपको पता है जब पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है बहुत सालों के बाद, जैसे उसे मिलियन ईयर भी लग सकते हैं, तो ऐसे वक्त ये ज़मीन के जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर पूरे फैल जाते हैं। उसके बाद ये ज़मीन हमें इस तरह की तरीके की दिखने लगती है। ना देयर आर जेंटल माउंटेन स्लोप एज वेल एज शीयर क्लिप्स ऑफ रॉक। जैसे कि माउंटेन प्रेजेंट है, आपको पता है, ओके? तो हर जगह एक जैसे माउंटेन है क्या, नहीं, हमारे बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग माउंटेन प्रेजेंट है। तो कहीं पर स्लोप दिखाई देते हैं और कहीं पर शीयर क्लिप्स, मतलब छोटा सा मतलब माउंटेन के अंदर छोटे छोटे गड्ढे भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल दीज लैंड फीचर्स आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। आर दी अर्थ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स अभी हमने कहा लैंड जहाँ पर प्रेजेंट है ये सभी, मतलब माउंटेन आया, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंड आए, ये सारा किसमें प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर में। तो आपको अंडरलाइन करना है दीज आर जेंटल माउंटेन स्लोप्स एज वेल एज शीयर क्लिप ऑफ अ रॉक। ऑल दीज लैंड फीचर्स आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। नाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, जो वाटर से ऑक्यूपाई है उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर, करेक्ट। तो आपको पता है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है। द लिथोस्फीयर एक्सटेंड अंडर दिस वाटर टू। तो इस जमीन मीन्स इस वाटर के नीचे भी लैंड प्रेजेंट है, मतलब लिथोस्फीयर प्रेजेंट है। नाउ अबाउट अ थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड। आपको पता है सब 1/3 पार्ट लैंड से कवर्ड है। अ वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं उसे, कॉन्टिनेंट कहते हैं। द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। विच आर दे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। विच आर दे, एशिया, आपको ये साथ में अंडरलाइन करना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। ये भी बहुत जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। सो अंडरलाइन दैट लाइन, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अवर वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अवर वर्ल्ड। नाउ द लैंडफॉर्म। द लैंड इज़ नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस। जैसे अभी बताया लैंड हर जगह ही प्रेजेंट नहीं है, ओके? The uneven layers gives different shapes to the land in different places. They are called landform. लैंडफॉर्म किसे कहेंगे? हर जगह लैंड प्रेजेंट है क्या? नहीं, कहीं पर बहुत हिल्स है, बहुत हाई है और कहीं पर पूरा स्लो. ओके, तो इस तरह की आपका जो पेज नंबर है 12 वहाँ पर आपको इमेज दी है इस तरीके की, तो इसे कहते हैं माउंटेन. तो वहाँ पर देखिए हिल है, प्लेन है, रिवर है ना, उसे क्या कहेंगे? लैंडफॉर्म. इन द पिक्चर अलोंग साइड यू कैन सी सम लैंडफॉर्म लाइक द प्लेन, हिल, माउंटेन एक्सेट्रा. पिक्चर में बहुत सारे दिए हैं, आप उसे देख सकते हो. ठीक है. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. जैसे कि अभी बताया था आपको, हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है. तो कितना पार्ट कवर्ड है? 2/3. ओके, 2/3 मीन्स टोटल सबसे ज़्यादा पार्ट कितना? 75% प्रेजेंट है वाटर. ओके, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशियन. फिर ये वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट है? ओशियन में प्रेजेंट है. ओशियन वाटर इज सॉल्टी. तो सबको ये आपको पता ही है, ओशियन का जो वाटर है वो कैसा रहता है? सॉल्टी सॉल्टी होता है. नाउ देयर आर 5 ओशियन. कितने ओशियन हैं? कॉन्टिनेंट्स कितने थे? 7. और ओशियन कितने हैं? 5. अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, थर्ड इज द आर्कटिक ओशियन, फोर्थ वन इज साउथर्न ओशियन एंड फिफ्थ इज इंडियन ओशियन. Now I repeat all the ocean, so underline that line. How many ocean? There are 5 ocean present in our earth. That are the Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean and Indian Ocean. अगर हम हमारा अर्थ देखें तो हमारा देखिए इंडियन नीचे साइड है, साउथर्न, पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक. फिर ये इस ओशियन के बाद कंट्रीज वगैरह प्रेजेंट है. ओके, नाउ द लैंड अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन. जैसे पता है कुछ ओशियन ऐसे हैं जहाँ पर किनारा प्रेजेंट होता है ना, अपन जला मराठी मन तो समुद्र किनारा है ना, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो. तो इस जो इमेज है वो किसकी है? कोस्टल रीजन. वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स size are formed along the coast, for example sea, bay, strait, gulf, creek etc. these water bodies are part of the ocean. ye jitne water bodies hai it is also the part of ocean. now there are many stream of water flowing over the land. aapko pata hai pani ek jagah nahi rehta, wo kahin par bhi ja sakta hai. this water is not a salty but fresh. ye water kaisa hota hai? सॉल्टी नहीं होता, फ्रेश होता है. ओके, जस्ट लाइक दिस वाटर. दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर में बी रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम और रिवर. जो हमारे रिवर में प्रेजेंट होता है वो वाटर कैसे होता है? फ्रेश वाटर होता है. रील्स आर द स्मॉलेस्ट एंड रिवर इज द बिगेस्ट. ये तो पता होगा, छोटे छोटे जो हमारे घर के साइड में या फिर जो गांव का जो बड़ा वाला नाला होता है उसके वो जाके कहाँ पर मिलता है? रिवर में मिलता है. रील्स, ब्रूक, स्ट्रीम जॉइन ईच अदर टू फॉर्म अ रिवर. इसके आप भी बताया, रिवर्स विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. बहुत सारे रिवर जब एक जगह आ जाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी. ज्याला आपण मराठीत म्हणतो महासागर. ठीक है. नाउ इन सम प्लेसेस रिवर कास्केट डाउन सडन ड्रॉप. जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल. दिस फॉर्म अ वाटरफॉल. ओके, अंडरलाइन दैट लाइन. इन सम प्लेसेस अ रिवर कास्केड्स डाउन अ सडन ड्रॉप. दिस फॉर्म अ वाटरफॉल. ऑल रिवर इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन. ये वाटरफॉल नीचे जाके कहाँ पर मिलेगा? सबसे ज़्यादा मीन्स ये जो वाटरफॉल है सभी रिवर का वाटर या फिर जो भी वाटर प्रेजेंट है वो सब जाके कहाँ पर मिलता है? ओशन में. वाटरफॉल का भी वाटर ओशन में जाके मिलता है. नाउ द लेक. आपको लेक पता है, बहुत सारे लेक प्रेजेंट होंगे है ना, आपने लेक देखा भी होगा. अ वाटर बॉडी फॉर्म बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन अ लो लाइंग एरिया ऑफ लैंड. हमारे कुछ एरियाज में क्या प्रेजेंट है? लेक प्रेजेंट है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है. वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्लो. जब बारिश होती है, बारिश के बाद कुछ ऐसे कंट्रीज़, कुछ ऐसे स्टेट प्रेजेंट है जो जहाँ पर फॉल्स नीचे आ जाते हैं, करेक्ट। व्हेन लेयर्स ऑफ स्नो पाइल अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म अ आइस। ये लेयर जब ग्राउंड पे बैठ जाती है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आइस फॉर्म करती है। ग्लेशियर, ग्लेशियर किसे कहेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। व्हेन लेयर्स ऑफ आइस पिल अप इन अ लो लाइंग एरिया दे बिकम अ इनॉर्मस इन साइज। कैसे होते हैं, बड़े इसमें होते हैं। This huge mass slips down a slope at a very low speed. बहुत ही धीरे 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 ज़मीन पे आके रुकती है और वो क्या फॉर्म करती है, ग्लेशियर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। This is called a glacier. Now the iceberg, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ठीक है। ओशन में ये बहुत सारे इसमें प्रेजेंट है ना। देयर आर आल्सो ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस, आइस के बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं इन द ओशियन। आइस फ्लोटिंग इन द सी दे आर कॉल्ड आइसबर्ग, उसे हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं। नाउ द ग्राउंड वाटर, तो सबको पता है ग्राउंड वाटर मीन्स क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द रॉक, रॉक के नीचे से मिलता है, ये तो सभी को पता है। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। नाउ द वेव्स, तो मोस्ट ऑफ दी घर में, हमारे घर में, हमारे साइड में क्या है, वेल्स प्रेजेंट है। अगर वेल्स प्रेजेंट नहीं है तो कहीं पर बोरवेल प्रेजेंट होगी, ओके ना। वी रीच द ग्राउंड वाटर बाय मीन्स ऑफ डग वेल्स एंड बोरवेल्स, हम ज़मीन के अंदर का पानी किससे निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं। मेनी लेक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्प्रिंग, लेक्स और वेल्स में पानी कहाँ से मिलता है, जो हमारे अंडर मीन्स रॉक के नीचे पानी है, करेक्ट, वो जो पानी है उसे क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। तो वो अंडरग्राउंड वाटर ये इस जैसे कि बोरवेल है, व्हील से उसमें आते हैं, तब जाके हमें पानी मिलता है। नाउ द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हमने अभी तक पढ़े, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर्स इन द एटमोस्फेयर टुगेदर फ्रॉम द अर्थ, इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। क्या 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 है हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन, अंडरलाइन करो। द वाटर, वाटर और आइस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वाटर दैट ऑक्यूपाई द अर्थ सरफेस, क्या ऑक्यूपाई किया है, अर्थ का कुछ सरफेस ऑक्यूपाई किया है। ग्राउंड वाटर भी आया उसमें, एंड द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में कुछ वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, टुगेदर फॉर्म द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। मीन्स लैंड के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर जितना वाटर प्रेजेंट है उस सभी को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ओके। इसके बाद का जो आपका पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।